तो ये देखिए फ्रेंड्स, बीन्स बन के रेडी है। जो वेजिटेरियन है वो प्लीज़ स्किप कीजिए। जो मैं अपलोड करी हूँ ऐसे बना सकते हो। जो नॉनवेज है उनके लिए इसमें मैं यहाँ पे एक अंडा डालूँगी। तो एक अंडा हम डालेंगे इसमें, देखिए इस तरह से। और ये जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए है, जो मैं पहले डाली हूँ वो वेजिटेरियन के लिए है। तो ये बहुत यम्मी बनेगी सब्जी। इसमें आप देख सकते हो बीन्स का कितना अच्छा टेक्सचर आया है, ये ग्रेवी का। तो अभी हम इसमें अंडा डाले हैं, इसको पलटा लेंगे अभी हम। ये बहुत टेस्टी और यम्मी है, जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए। जो वेज खाते हैं, जो अभी जस्ट अपलोड करी हूँ मैं, वैसे आप खा सकते हो। ये देखिए इसकी ग्रेवी भी आप देख सकते हो कितना अच्छा। और ये बीन्स, ये देखिए बीन्स के जो, इसको हम लोबा भी बोलते हैं। तो ये अंडे को हम पलटा लेंगे इस तरह से और पका लेंगे बस। तो ये हो गया हमारा बीन्स ऑमलेट सब्जी। तो ये बहुत इजी है। अभी आप, अभी रमज़ान चल रहा है, आप मॉर्निंग में ऐसे बना सकते हो। अगर कोई सब्जी बची है, आपको कोई ऑमलेट वगैरह खाने मन हो रहा है, तो इस तरह से ऐड कर सकते हो। या तो ऐसे भी बना सकते हो, मटर भी डाल सकते हो मटर की सब्ज़ी में भी। तो ये ऑमलेट हमारा, ऑमलेट बीन्स सब्जी रेडी हो गई। आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ये देखिए आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है हमारी सब्जी, एकदम रेडी है। रोटी के साथ सब करने या चावल के साथ, तो आपको पसंद तो ज़रूर आया होगा। गैस का फ्लेम भी बंद कर रही हूँ मैं। पसंद आया तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। और फिर मैं मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। ये मेरा बीन्स की मतलब पहले मैं ये डाल, अभी जस्ट अपलोड करी हूँ, वो सिर्फ वेजिटेरियन लोगों के लिए है, जो वेज खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते। जो नॉन वेज खाते हैं वो लोग के लिए खास तरीके से ऐसे बताई हूँ मैं। और ये हमारे घर में पर्सनल रेसिपी है, तो आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए, क्योंकि सब लोग को वेज नहीं पसंद होता है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप ऐसे मटन भी डाल सकते हो इसमें, बीन्स में कोई भी अपने पसंद का चीज़ डाल सकते हो। जैसे कि मैंने अभी दिखाया आपको एक, तो ये देखिए कितनी अच्छी है सब्जी भी बन के रेडी हो गई है। तो चलिए, पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।